चलो सो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन में मैंने आपको फॉर्मूला समझाई थी, ठीक है। कौन सी फॉर्मूला थी? एक्स रेस टू एन अच्छा, उस दिन मैंने पहले आपको लिखने के लिए दिया था, सबने लिखा है? लिखा लो। क्या है इसका फॉर्मूला? एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। फॉर्मूला सबकी लिखी हुई है? कोई ऐसा ब्रिलियंट है जिसने नहीं लिखा हो, हाथ ऊपर करो, हैंड रेज करो। क्यों? सो एक्स रेस टू एन इज इक्वल्स टू एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, ये फॉर्मूला है, ठीक है। जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल कुछ समझाए थे, सपोज करो एक्स रेस टू फाइव है तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव? फाइव एक्स रेस टू, सो फाइनली फाइव एक्स रेस टू फोर, ठीक है। इतना हमने किया था। अब हम डिवाइड के सीखने वाले हैं, डिवाइड का कैसे करेंगे। उस दिन एक सम हमने किया था डिवाइड में, अगर x डिवाइड में हो तो, x डिनोमिनेटर में दिया हुआ हो तो कैसे करेंगे। फोर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, अगर हमें फोर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना हो तो कैसे करेंगे? पहले इसे लिखेंगे हम फोर एक्स माइनस टू, थ्री नहीं लिखेंगे, माइनस टू। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाना हो तो पावर की साइन चेंज कर देते, ठीक है। अब ये प्लस टू है तो माइनस टू हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है हमारे लिए, अब हमें डेरिवेटिव करना है। ये हमने डेरिवेटिव नहीं किया, ये तो एक्स को हम ऊपर ले गए, एक्स डिवाइड में था, डिनोमिनेटर में था, एक्स को न्यूमरेटर में लिया। अगर एक्स न्यूमरेटर में ही दिया हुआ है, यही क्वेश्चन ऐसा होता एक्स स्क्वायर बाय फोर, तो फिर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे। अगर डिवाइड में x दिया हुआ हो और हमें न्यूमरेटर में ले जाना है तो उसकी साइन चेंज करेंगे और उसके बाद ही हम उसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ये तो y हो गया, ये y हो गया, अब dy dx क्या होगा? सो फोर सेम, x रेस टू माइनस टू का डेरिवेटिव माइनस टू, x रेस टू माइनस टू, ये क्या किया n एक्स रेस टू एन माइनस वन, सो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस फोर इंटू टू एट एक्स। अब हो सकता है ये आंसर हो या फिर माइनस एट, अब इन्होंने एक्स रेस टू माइनस थ्री को है ना वापस डिवाइड में रख दिया होगा। तो कभी भी किसी भी ऐसे क्वेश्चन में हम ये आंसर लिख रहे हैं पीछे ये दिया हुआ है, या हमने ये लिखा पीछे ये दिया हुआ है, ऐसा मत समझना हमारा आंसर रॉन्ग है, हमारा आंसर करेक्ट है। आप ये स्टेप कर कराओगे यहाँ तक एग्जाम में, ठीक है। अब देखो इसका पीछे आंसर क्या है, तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 195 सेक्शन ए क्वेश्चन फोर, सेक्शन ए क्वेश्चन फोर। ये उसकी मीनिंग ही होती है, ये माइनस एट डिवाइड बाय एक्स क्यूब को हम माइनस एट डिवाइड बाय एक्स क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं,
इक्वल है ये, कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। सो ये इसका आंसर हो गया। अब देखो नॉर्मल 10 एमसीक्यू आते हैं सेक्शन ए में, सबको लग रहा है एमसीक्यू है ना, अब ये सेक्शन ए का ही है और ये एमसीक्यू ही है। कब आएगा ये एमसीक्यू आपको, जब आपके फॉर्मूला क्लियर होंगे, मेथड्स क्लियर होंगे। मींस ऐसे नहीं कि एमसीक्यू है मींस 10 तो आ ही गए, ऐसा नहीं होगा। एमसीक्यू करने के लिए भी आपको चैप्टर तो आना ही चाहिए, तभी एमसीक्यू कर पाओगे। ये केबीसी वाले एमसीक्यू नहीं है, ना ही कोई लाइफलाइन है, एक ही लाइफलाइन है आपकी मेहनत। आपको पूरा चैप्टर आना चाहिए तभी आप कर पाओगे, ठीक है। चलो ये नोट डाउन कर लो और जो सम्स होते जाएं उन पे टिक करते जाना। चलो हो गया। अब जो मैं करवाने वाला हूँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। अब सपोज करो आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है वाई इक्वल्स टू रूट एक्स, अब मुझे रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है, वाई इक्वल्स टू रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे होगा, तो आपको ये पता है कि x को हम x रेस टू 1/2 लिख सकते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है आपका कि x रूट एक्स को x रेस टू 1/2 लिख सकते हैं। अब x का पावर आ गया हमारे पास, अगर यहाँ पर मैं x रेस टू 5 लिखूँ तो आप क्या कर रहे हो, 5x रेस टू 5-1, ठीक है। सो यहाँ पर dy dx क्या करेंगे, ये तो हमने y लिखा है, यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, dy dx क्या होगा, सबसे पहले पावर आगे रखना है 1/2, फिर x पावर में से 1 माइनस करना है 1/2-1, ये स्टेप क्लियर हुआ, मैंने यही किया है। x रेस टू 5 हो तो पहले 5 आगे रखना है x में एंड पावर में से 1 माइनस करना है, यहाँ पर भी वही किया, पहले 1/2 x रेस टू 1/2-1। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 1/2 x रेस टू 1/2 में से 1 माइनस कर रहे हैं, -1/2। अभी आपको डायरेक्ट करना होगा, कैसे आया मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक तो ये समझो कि हाफ में से 1 माइनस कर रहे, 1/2 यानी क्या होता है हाफ, हाफ में से 1 माइनस कर रहे तो क्या बचा, हाफ। और दूसरा अब ऐसे करो 1/2-1, अब यहाँ पर 2 डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो क्या रखते हैं 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 1 - 2 × 1, सो 1-2, तो ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, क्लियर हुआ। सो ये -1/2 ऐसे आया। अब आगे क्या करेंगे, सो आगे वन बाय टू एक्स रेस टू -1/2 है, सो 1/2 एक्स रेस टू +1/2,
न्यूमरेटर का एक्स डिनोमिनेटर में ले गए, साइन चेंज कर दिया, माइनस का क्या कर दिया प्लस, एंड देन हम इसे लिखेंगे 1/2 रूट एक्स। ठीक है, सो जो लॉन्ग सम्स आएंगे उसमें ये पॉइंट डायरेक्ट करूंगा मैं, इस पॉइंट को एज अ शॉर्ट सम समझना, डायरेक्ट समझना। जैसे आप यहां पर मुझे डायरेक्ट बता देते हो ना कि एक्स रेस टू 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, 5x^4। तब जब लॉन्ग सम करूंगा तो मैं आपको पूछूंगा कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सो 1/2 रूट एक्स। ये डायरेक्ट होगा इतना, या आपको एज अ शॉर्ट सम साइड में या वर्किंग नोट्स जैसे दिखाते हैं वैसे दिखाना होगा। सो रूट एक्स का डेरिवेटिव फिर से समझ लो, रूट एक्स, रूट एक्स को हम एक्स रेस टू 1/2 भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा वाई। अब यहाँ पर डेरिवेटिव किया dy dx में रूल क्या है, पहले पावर को आगे रखते हैं, पावर 1/2 एक्स रेस टू 1/2 माइनस 1, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे आंसर आएगा -1/2। -1/2 को डिवाइड में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में हो जाएगा +1/2, और x रेस टू 1/2 ही तो रूट एक्स होता है। सो ये नोट डाउन कर लो। थोड़े से सम्स हम आगे पीछे करेंगे क्योंकि पॉइंट कवर करना है, इन्होंने एमसीक्यू में सारे एमसीक्यू एक साथ दिए हुए हैं। अब जैसे रूट एक्स किया वैसा ही है ये, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4, तो क्या करेंगे इसे, देयरफोर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू 1/4। अगर रूट हो तो 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 3, 4, 5 जो भी लिखा हुआ है वो। नाउ सेक्शन सी क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है एफ एक्स की वैल्यू ये है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, एफ डबल डैश एक्स, मीन्स जो हमने किया वो तो सिंगल डेरिवेटिव था, डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। सो पहले इसका सिंगल डेरिवेटिव कर लेते हैं, सिंगल डेरिवेटिव। सो सिंगल डेरिवेटिव को क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या है, एन एक्स रेस टू
एन माइनस वन, सो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, वन अपॉन फोर एक्स रेस टू वन अपॉन फोर माइनस वन। जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है कुछ ही समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये फॉर्मूला अच्छे से समझाई थी कैसे हो रहा है, इस स्टेप में से ये स्टेप कैसे बन रहा है। और नहीं देखा है तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग्स देखना, फिर आज की रिकॉर्डिंग्स देखना, फिर थर्ड लेक्चर अटेंड कर पाओगे अगर फर्स्ट किसी का मिस हो गया था तो। सो ये स्टेप कैसे हो रहा है, पहले पावर एक्स की वैल्यू एंड देन पावर में से वन माइनस करेंगे। सो क्या आएगा आंसर, वन अपॉन फोर एक्स रेस टू वन बाय फोर माइनस वन माइनस थ्री अपॉन फोर। वन बाय फोर में से वन माइनस करना है, वन बाय फोर माइनस वन, सो फोर क्रॉस मल्टीप्लाई वन इंटू वन माइनस फोर इंटू वन, सो वन माइनस फोर माइनस थ्री अपॉन फोर। ये यहाँ तक अभी हमने सिंगल डेरिवेटिव किया है, ये एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया है। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे। अब इसका दूसरी बार डेरिवेटिव करना है हमें। सो एफ डैश एक्स, मैं पहले सेम यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वन बाय फोर एक्स रेस टू माइनस थ्री बाय फोर। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, एफ डबल डैश एक्स, सेकंड डेरिवेटिव में एफ डबल डैश लगाएंगे। सो पहले तो ये नंबर है, नंबर एज इट इज लिखेंगे, हमें डेरिवेटिव करना है इसका एक्स रेस टू माइनस थ्री बाय फोर। जैसे ये आपने किया था, सपोज करो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दे दूं कि फोर एक्स रेस टू फाइव का डेरिवेटिव करो, तो ये तो डेरिवेटिव है, फोर सेम आगे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी नंबर आगे सेम रख दिया है। अब एक्स का पावर है, कौन सा पावर है, माइनस थ्री बाय फोर, तो एज पर फॉर्मूला क्या होगा, माइनस थ्री बाय फोर एक्स रेस टू माइनस थ्री बाय फोर माइनस वन। नाउ मल्टीप्लाई करना है, सो माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री, फोर इंटू फोर सिक्सटीन एक्स रेस टू। नाउ माइनस थ्री बाय फोर माइनस वन माइनस सेवन अपॉन फोर, देखो माइनस थ्री बाय फोर माइनस वन। अब डिवाइड में वन रखेंगे, फोर इंटू वन फोर, वन इंटू थ्री माइनस थ्री, फोर इंटू वन सो माइनस सेवन अपॉन फोर। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये आंसर हो, और ये भी हो सकता है कि माइनस थ्री डिवाइड बाय सिक्सटीन एक्स रेस टू सेवन अपॉन फोर, न्यूमरेटर में माइनस है डिवाइड में प्लस हो जाएगा, माइनस सेवन अपॉन फोर को डिवाइड में रखा है तो प्लस कर दिया, ये भी हो सकता है। पावर का साइन चेंज हो जाता है, इस नंबर का साइन चेंज नहीं कर देंगे, ये माइनस थ्री नीचे नहीं जाएगा कभी भी, ऐसे नहीं है माइनस थ्री नीचे रख के प्लस थ्री कर दो, वो नहीं करना है, पावर की साइन चेंज हो जाएगी। सो देखो क्या आंसर है पीछे, ये है ठीक है। सो ये हो गया हमारा एफ डबल डैश एक्स। इस समय आपके रूट वाले पॉइंट्स अच्छे से कवर हो रहे हैं कि रूट का डेरिवेटिव कैसे होगा। कोई डाउट हो तो बीच में पूछते रहोगे या हैंड रेस करना।
सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 17। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 3x² + 3, देन फॉर विच वैल्यू ऑफ x, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अब हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि हम एफ एक्स में रखें तो भी सेम आंसर आए और एफ डैश एक्स में रखें तो भी आंसर सेम हो जाए। सो पहले एफ डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे। एफ डैश एक्स क्या होगा आंसर? प्लस थ्री एफ डैश एक्स ऐसा होता है। देखो पहले आपको नंबर आगे लिखना है, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, 2x^(-1) और नंबर का डेरिवेटिव हमेशा कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है जब तक उसके साथ x नहीं है। और कल तो डायरेक्ट भी सिखाया था 2 × 3 = 6 x^(2-1), सो ये क्या हो जाएगा 6x (2-1) = 1। तो ये हो गया एफ डैश एक्स। अब हमें x की ऐसी वैल्यू चाहिए कि जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स हो जाए, दोनों इक्वल हो जाएं। सो एफ एक्स हमारे पास है 3x² + 3, एफ डैश एक्स 6x। अब जो राइट हैंड साइड 6x है उसे लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, 3x² - 6x + 3 = 0। देखो 3x² सेम रख दिया, प्लस 3 भी सेम है, और ये जो प्लस 6x थे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड होकर -6x हो गए। अगर 3 कॉमन निकाल दें तो x² - 2x + 1 = 0। 3 राइट हैंड साइड डिवाइड हो जाएंगे, सो x² - 2x + 1 = 0 / 3। सो क्या हो जाएगा x² - 2x + 1 = 0। अब x² - 2x + 1 के फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स पता है आपको? x - 1 होल स्क्वायर क्या होता है? x - 1 का होल स्क्वायर देखो क्या होगा, x² - 2x + 1। ठीक है, एक तो हम ये कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम फैक्टर्स निकालें तो हमें क्या करना होगा, x² इसे स्प्लिट करना होगा, -x - x + 1 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, तो बाकी वैल्यू क्या बची? इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो -1 कॉमन। अब साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस एक्स हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। सो देयरफॉर x - 1 = 0। देखो x - 1 वही होगा ना, x - 1 जो मैंने पहले लिखा था, x - 1 होल स्क्वायर। सो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x - 1 = 0 और x - 1 = 0। सो x = 1 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x = 1। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना, पूछा क्या हुआ है, x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो हम एफ एक्स में रखें तो भी सेम आंसर आए और एफ डैश एक्स में रखें तो भी सेम आंसर आए। अब चेक करके देखते हैं, एफ एक्स में 1 रख दो, x की वैल्यू 1 रखो, देखो क्या आएगा आंसर, 3 × 1² 1² 1 होगा, 1 × 3 = 3 3 + 3 fx की वैल्यू क्या आई,
अब यही वन एफ डैश एक्स में रख के देखो, एफ डैश एक्स में वन रख कर देखो, सिक्स इंटू वन सिक्स आ रहे, मीन्स एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो हम एफ एक्स में रखें तो भी आंसर सेम आए, एंड एफ डैश एक्स में रखें तो भी आंसर सेम आए। तो एक्स का अगर वन वैल्यू रख दिया ना तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स इक्वल हो जाएंगे, इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन देखो फिर से, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री देन फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स, एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए एफ एक्स और एफ डैश एक्स इक्वल हो जाएंगे, सो एक्स की वन वैल्यू के लिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर, चलो नोट डाउन कर लो। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 15। ये तो आज सेकंड डे है इस चैप्टर का, लेकिन हर चैप्टर के लिए मैं ऑलवेज आपको बोलता हूँ कि फर्स्ट लेक्चर मिस मत किया करो। अगर आपने फर्स्ट डे मिस कर दिया ना, सो वो लेक्चर सेवन डेज चलने वाला है, सो सेकंड से लेकर सेवन डे तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन फर्स्ट डे के बाद आप एब्सेंट रह रहे हो किसी भी रीज़न से तो आपको समझ में आएगा। लेकिन फर्स्ट डे क्या होता है, मैथड फार्मूला खास कर स्टैटिस्टिक्स में, वो सब फर्स्ट डे क्लियर हो जाता है। उसके बाद सेकंड डे पर हम सीधा जाते हैं, गो थ्रू करेंगे, रुकेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर रुकेंगे तो टाइम जाएगा। ठीक है, नाउ सेक्शन सी
क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू 4x² + 4x + 8, फॉर विच वैल्यू ऑफ x विल द डेरिवेटिव बी जीरो। x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो हम उसके डेरिवेटिव में रखेंगे तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। सो पहले डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं और डेरिवेटिव को जीरो रख के देखते हैं। सो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx। चलो डायरेक्ट करते हैं, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, 8x + 4 x² 2 × 4 8, पावर में से 1 माइनस करेंगे सो x और 4, x का डेरिवेटिव 1, नंबर का डेरिवेटिव 0। अब हमें पूछा गया है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि डेरिवेटिव 0 हो जाए। अब हमें इसका डेरिवेटिव 0 रखना है। सो डेरिवेटिव को 0 रख के देखें, सो 0 इज इक्वल्स टू 8x + 4। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो पहले 4 को लेफ्ट हैंड साइड भेजना होगा, प्लस 4 को लेफ्ट हैंड साइड भेजें तो -4 इज इक्वल्स टू, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी, -4/8x। सो x की वैल्यू हो गई x इक्वल्स टू, अब x की वैल्यू -1/2 इसके डेरिवेटिव में रख के देखो, डेरिवेटिव 0 हो रहा है। इसके डेरिवेटिव में x की वैल्यू -1/2 रख के देखो, देखो ये मैं प्रूव करके बता रहा हूँ आपको, 8x + 4, सो 8, x की वैल्यू क्या रखेंगे, +4, सो 2 × 4 × 1, तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जैसे उसका डेरिवेटिव 0 हो जाए। तो हमने पहले डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 ले लिया, x की वैल्यू मिल गई। चेक करना है आपको तो x की वैल्यू रख कर देखो, इसमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है। ये करना नहीं है आपको एग्जाम में, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया। क्वेश्चन नंबर 19, सेक्शन सी, क्वेश्चन 19, फाइंड d²y / dx² इफ y इक्वल्स टू 1/√x. क्वेश्चन 19, बहुत कम सम ऐसे होते हैं जिसके आगे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखता हूँ।
डबल डेरिवेटिव करना है, वो भी रूट का सम है, रूट दिया हुआ है, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा भी माइनस का मिस्टेक हो गया तो सम रॉन्ग हो जाएगा। अब रूट है तो हम इसे पहले तो क्वेश्चन को ऐसे कर देंगे, y इक्वल्स टू एक्स रेस टू प्लस वन डिवाइड बाय एक्स रेस टू वन बाय टू। क्वेश्चन को क्या किया, सिंप्लीफाई किया, जहाँ रूट था वहाँ वन बाय टू रख दिया। फिर से अभी तक डेरिवेटिव स्टार्ट नहीं हुआ है, एक्स रेस टू वन बाय टू प्लस, अब ये डिवाइड को हम ऊपर ले जाएंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे, सो एक्स रेस टू माइनस वन बाय टू। क्लियर है, यहाँ तक हमने अभी तक क्वेश्चन को ही सिंप्लीफाई किया है। अब सम स्टार्ट होगा, यहाँ तक सिर्फ हमने रूट हटाकर वन बाय टू किया और ये वन बाय टू न्यूमरेटर में लिया। अब हम सम स्टार्ट करेंगे, सो पहले सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव dy dx, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव को dy dx लिखते हैं अगर यहाँ पर y दिया हुआ हो तो, और अगर fx दिया होता तो मैं यहाँ पर f डैश x लिखता, ठीक है। नाउ सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x रेस टू n, सो फॉर्मूला को देखेंगे और हम लिखेंगे, सो 1 बाई टू एक्स रेस टू 1 अपॉन टू माइनस वन। ये फर्स्ट का हमने किया, पहले पावर आगे 1 बाई टू एक्स रेस टू पावर में से 1 माइनस करते, फिर साइन है प्लस का, फिर से वही यहाँ पर करना है। अब माइनस 1 अपॉन टू आगे एक्स रेस टू माइनस वन अपॉन टू माइनस वन, ठीक है। अब देखें क्या आंसर आ रहा है, वन बाय टू एक्स रेस टू वन अपॉन टू माइनस वन माइनस वन अपॉन टू प्लस, नाउ प्लस माइनस माइनस ही लिख देते हैं डायरेक्ट, सो प्लस माइनस माइनस वन अपॉन टू एक्स रेस टू माइनस वन अपॉन टू माइनस वन, टू इंटू वन माइनस टू माइनस टू माइनस वन, कैसे आया समझ लो, माइनस वन अपॉन टू माइनस वन, सो डिवाइड में क्या लिखेंगे, टू क्रॉस मल्टीप्लाई वन इंटू वन, टू इंटू माइनस वन, सो माइनस थ्री अपॉन टू। यहाँ तक किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो फिर से पूछो। पहले हमने क्या किया, रूट एक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए रूट की जगह वन अपॉन टू लिखा, और जितने भी एक्स न्यूमरेटर डिवाइड में होते हैं उन्हें न्यूमरेटर में लेकर आते हैं तो उसका पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। सो यहाँ पर पावर का साइन चेंज कर कर हमने माइनस वन अपॉन टू लिखा। अब हम डेरिवेटिव करेंगे डी वाई डी एक्स, सो पहले वन बाय टू आगे पावर आगे x पावर में से 1 माइनस करना है, सेम यहाँ पर किया माइनस वन अपॉन टू आगे x पावर में से 1 माइनस किया, सो 1 बाय टू, हाँ ये हो गया हमारा सिंगल डेरिवेटिव। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, डबल डेरिवेटिव, अब हमें इसी का ही डबल डेरिवेटिव करना है, सो नाउ डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव को लिखेंगे डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर। अब डबल डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, पहले नंबर आगे लिख देंगे, अब ब्रैकेट में इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू माइनस वन, ये नंबर आगे पावर एक्स पावर में से वन माइनस, सेम यहां पर करना है माइनस वन अपॉन टू आगे, अब पहले पावर माइनस थ्री अपॉन टू एक्स पावर में से वन माइनस मल्टीप्लाई है प्लस माइनस माइनस वन इंटू वन टू इंटू टू फोर,
एक्स रेस टू माइनस वन अपॉन टू माइनस वन, एक्स रेस टू माइनस थ्री अपॉन फोर, माइनस माइनस वन इंटू थ्री, टू इंटू टू, एक्स रेस टू माइनस थ्री बाय टू माइनस वन, माइनस फाइव बाय टू। सो नाउ फाइनल आंसर क्या होगा, जो एक्स न्यूमरेटर में है उसे डिवाइड में ले जाएंगे। सो माइनस वन अपॉन फोर एक्स रेस टू प्लस थ्री बाय टू प्लस थ्री बाय फोर एक्स रेस टू प्लस फाइव बाय टू। तो जो माइनस है उसे हम डिवाइड में लेकर आए और हमने प्लस कर दिया। एक बार फिर से पूरा सम देखो, कोई डाउट है यहाँ पर? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम जिसमें रूट के सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। होमवर्क में करने हैं आपको, एक इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशन 7, 8, 19, 20 एंड 22, ठीक है? तो बाकी के 7, 8, 20, 22, अगर 19 दे दिया है तो 7, 8, 20 एंड 22, ये सम्स होमवर्क में करोगे, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही करते हैं।